क्षेत्रवासियों की मदद की गुहार लगाते ही हमारे संजू भैया अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर अपनी जान जोखिम में डालकर निजी हेलीकॉप्टर लेकर केदारनाथ त्रासदी में फंसे लोगों की मदद और उनकी जान बचाने निकल पड़े। वहां की त्रासदी देख और हजारों लोगों की चीख पुकार सुन संजू भैया द्रवित हो उठे और त्रासदी में फंसे अपने परिचितों को बचाने के अलावा वहां फंसी अनेकों पीड़ित जानों की रक्षा करने संकल्पित हो गए। उन्हें अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित वहां से निकालकर उनके परिचितों तक पहुंचाया और सैकड़ों परिवारों की खुशियां सलामत रखी। ऐसे धरती माता के सच्चे सपूत जिन्होंने पता नहीं कितनी मौत के आगोश में जाती जाने सुरक्षित की। जनमानस पर निर्मल छवि के संजू भैया हम सबके दिलों के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, जिन्होंने राजनीति में पैसा कमाने के नियत से नहीं बल्कि गरीबों के हक की लड़ाई में शरीक होने कदम रखा। हमने भैया को फोन लगाया, संजू भैया को, कि भैया मर रहे हैं, बचा लीजिए। उसके बाद फोन कट गया। फिर भैया ने कहाँ से उस फोन में मैसेज किया, क्या किया, और 19 तारीख को भैया अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए। और फिर भैया ने अपना खुद उनने भैया ने खुद अपने मार्गदर्शन में खुद अपना रेस्क्यू चलाया, हम लोगों को सही सलामत निकाला। और हमारे साथ साथ लगभग 200 से लोगों ऊपर लोग जो ज़्यादा थे उससे ज़्यादा लोगों को भैया ने खुद निकाला वहाँ से, चाहे वो किसी भी प्रांत का रहा हो अपन नहीं जानते। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि संजू भैया हमारे देवभूमि में देवदूत बन के पहुँचे और उन्होंने हम जैसे कई लोगों को उन्हें जीवन दान दिया है, हम उनके सदा आभारी हैं। जब हमारे विधानसभा क्षेत्र के